एक्चुअली ट्रेनिंग से ज़्यादा ये लोग वैसे ही इस माहौल में इतने एक्साइटेड हो गए हैं बिकॉज जो उनको सिर्फ रैंप वॉक ही नहीं, ऑर्गेनाइजर्स ने उनको इतनी सारी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी हुई है कि इनकी ग्रूमिंग सिर्फ स्टेज पे ही नहीं बट इनकी मानसिक तरह से ग्रूमिंग हुई है, फिजिकल ग्रूमिंग हुई है, इनकी इमोशनल ग्रूमिंग हुई है. तो ये सिर्फ स्टेज पे चलने के लिए नहीं बट ये आई थिंक इसके आगे लाइफ में किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए और उसकी सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो रेडी हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक द ऑर्गेनाइजर्स हैव डन वंडरफुल फॉर द कंटेस्टेंट्स टुडे. मैं सिर्फ उन यही चाहूँगी उन लोगों से कि पहली बात वो अपने सारे ट्रेनिंग याद रखें, दूसरा उस मोमेंट को एंजॉय करें क्योंकि वो मोमेंट जो है वो दोबारा नहीं आने वाला है. क्वीन ऑफ मुंबई सीजन 3 उनके लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा. इसके अलावा वो और चाहे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करें बट ये मोमेंट, ये कंटेस्टेंट, ये पार्टनर्स और ये उनके साथ जो उनका रैपो बना है एक दूसरे के साथ में, ये उन्हें इंजॉय करना चाहिए ताकि वो हैप्पीली इस मेमोरीज़ को लेके आगे खुश रहें, ना कि कुछ और सोचें उसके बारे में. सी आई फील मैंने भी अपने गुरु से सीखा है पर हमेशा हम हमारे गुरु से सीख के उसमें अपना खुद का एक फ्लेवर डालने की कोशिश करते हैं. तो मैंने मेरी कोरियोग्राफी में मेरा पर्सनालिटी एक फ्लेवर डाला है पर मैं अपनी कंटेस्टेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आप मुझसे सही तरीका सीखो पर जब तक आप उसमें अपना खुद का फ्लेवर नहीं डालोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस द जजेस. लोग आपसे सिर्फ तभी अग्री करते हैं जब आपके अंदर लोगों को विश्वास दिलाने की ताकत हो. तो इस ट्रेनिंग को मुझसे जो उन्होंने सीखी है इसको अपनी खुद की ब्यूटी के साथ वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ समथिंग मुझे भी देखना है. थैंक यू वेरी मच.